हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही बेहतरीन सा एक फेस वॉश, जो कि आप अपने लिए घर पर ही रेडी कर सकते हैं और इसका रिजल्ट बहुत ही अमेजिंग है। अगर आप इसे रोज़ यूज़ करेंगे तो आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा 2 से 3 दिन में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप कोई सा भी अपना साबुन ले लीजिए। मैंने यहाँ पर डव साबुन लिया है, उसको अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। बस आप हल्का सा ही आधा साबुन अच्छे से ग्रेट कर लीजिए। हमें पूरा साबुन नहीं यूज़ करना ताकि हमारे फेस वॉश में अच्छा सा फोमिंग इफेक्ट आ जाए। अब हम एक बाउल में इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे, फिर उसके बाद में इसमें जो हमारे इंग्रेडिएंट है वो सारे ऐड करेंगे। फिर हम लोग इसमें यूज करेंगे 2 चम्मच बेसन, जो कि एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है हमारी स्किन को ब्राइटनिंग और ट्राइटनिंग इफेक्ट देने के लिए। और ये हमारी स्किन से टैन को रिमूव करता है, रिंकल फ्री करता है, और ये हमारी स्किन से जितने भी एक्सेस ऑयल है उसको अब्सॉर्ब करके क्लियर स्किन बनाता है। फिर उसके बाद हम लोग लेंगे 1 चम्मच ग्लिसरीन। ग्लिसरीन जो कि एक बेहतर ऑप्शन होता है मॉइस्चराइजर के लिए। फिर से थर्ड जो चीज़ है हम लोग ऐड करेंगे इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर जो कि एक एंटीसेप्टिक होती है और हमारी स्किन के इन्फेक्शन को ख़त्म करती है। 4th इंग्रेडिएंट हम लोग इसमें यूज करेंगे कॉफ़ी पाउडर, जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है और ये हमारे स्किन को वाइटनिंग और टाइटनिंग इफेक्ट देती है। अब हम लोग इसमें यूज करेंगे 2 चम्मच नींबू का रस, और फिर उसके बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच स्क्रब, कोई सा भी स्क्रब। अच्छा, विटामिन सी होता है नींबू में, जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है, उसे एकदम टैन फ्री और रिंकल फ्री बनाता है। और फिर मैंने इसमें 1 चम्मच स्क्रब डाला। स्क्रब डालने से ये होगा कि आप अपना फेस वॉश जब भी यूज़ करेंगी तो आपके फेस पे जो भी डेड सेल या तो फिर डेड स्किन होगी वो इजली रिमूव हो जाएगी। फिर चंदन पाउडर डालना है, अगर आपके पास नहीं है तो वो स्किप भी कर सकती है। और इसमें गुलाब जल मिलाकर तब तक इसे मिलाना जब तक सारी चीज़ें अच्छे से मिल ना जाए, और हमें इसे अच्छे से मिलाते रहना है। फिर उसके बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी जो कि एक बहुत ही बेहतर ऑप्शन होता है स्किन को हमारी रिंकल फ्री करने के लिए। अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में है तो भी आप उसे यूज़ कर सकते हैं 2 चम्मच, या तो फिर आपके पास ऐसे क्रश किया हुआ है तब भी आप उसमें 2-3 टुकड़े डाल सकते हैं। और फिर इसको अच्छे से मिक्स करना है, हमें ना तो इसे ज़्यादा थिक रखना है ना तो ज़्यादा रनी रखना। फिर हम लोग सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद एक बार चेक करेंगे इसके टेक्सचर को, ना तो ज़्यादा थिक हो ना तो ज़्यादा रनी हो। इजली आप इसको एक बॉटल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और फिर यूज़ कर सकते हैं। अब फिर आप इसको किसी भी कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लीजिए, कंटेनर या तो किसी भी बॉटल में आप इजली इसे ट्रांसफ़र करके 1 हफ्ते के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसकी सेल्फ लाइफ जो है वो 1 हफ्ते की है। आप इसे अच्छे से फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। अभी मैं आपको यूज़ करके दिखलाती हूँ इसको कैसे यूज़ करना है। आप इसको इजली हाथों में रब कर लीजिए और फिर आप अपने फेस पर इसे यूज़ कर लीजिए। 2 से 3 मिनट अच्छे से रब करने के बाद जो स्क्रब हमने इसमें यूज़ किया था उससे हमारी जो स्किन की डेड सेल्स या तो फिर डेड स्किन है वो इजली रिमूव हो जाएगी और हमें एक स्मूथ इफेक्ट देगी। आपको फर्स्ट यूज में ही देखने को मिल जाएगा रिजल्ट, आपकी स्किन एकदम स्मूथ और सॉफ्ट हो जाएगी। और इस फेस वॉश को आप दिन में 2 बार भी यूज़ कर सकते हैं, और आप जब भी यूज़ करेंगे तो इस पर जो हमने स्क्रब यूज़ किया है उससे हमारे फेस पे जो भी डेड सेल या डेड स्किन होगी वो रिमूव होगी और हमारे फेस को एक स्मूथनिंग इफेक्ट मिलेगा देखने को। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी होम रेमेडीज़ के लिए चैनल के बेल आइकन को प्रेस करें।